it tells us about how we can how the women are not safe. Nahi chalega. The women are not safe in India. How we can increase more safety for them. Thank you. And इसी के साथ में अगर रानी मुखर्जी की अगर काम की अगर बात करिए तो कैसा लगा उनका? उनका कैरेक्टर मर्दानी वन में भी सही था. इसमें एक टॉप क्लास कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है. और जिस तरीके की आज के समय में जो सिचुएशन है, लगता है कि लोगों को एक ऐसी फिल्म की जरूरत है. लोगों का माइंडसेट ही वैसा नहीं होगा तो फिल्म की ज़रूरत पड़नी चाहिए उनको, क्योंकि जो आज का इंडिया है वो वुमेंस के लिए सेफ है ही नहीं. कितने स्टार देना चाहेंगे? आउट ऑफ 5, 4. थैंक यू. इट्स एक्चुअली व्हाट एवर इज शोन इन द मूवी ना इज एक्चुअली हैपेंस. इट इज़ द ट्रूथ आई एम टेलिंग यू. एंड आई एम ग्लैड दैट इट्स बीन मेड. एंड यू नो इट्स देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस दैट व्हाट इज हैपनिंग स्पेशली इन द रूरल एरियाज. एंड देयर मस्ट बी मोर दैट मींस हैपनिंग व्हिच इज नॉट बीन ब्रॉट टू लाइट. डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्ट विद यू, ऐसे मूवीज़ को जो ट्रूथ है ना इनको ज़्यादा पब्लिक डिमांड देती नहीं है. नाउ इफ यू गो टू वॉच दबंग 3 एंड ऑल दोज नॉनसेंस शिट, पीपल गिव प्रायोरिटी टू दैट विच इज़ नॉट, यू नो, डज नॉट गिव एनी, नॉट डज नॉट मीनिंग. एंटरटेनमेंट वाइज इज ओके. पीपल शुड गिव मोर इम्पोर्टेंट टू रियालिटी द फैक्ट्स विच विल यू नो मेक पीपल अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग अराउंड. Now look at Uri, now look at Mission Mangal. Those are the movies like Mardaani 1 and 2. Those are the movies that gives the actually what is happening, I mean, what is happening in the society. It's not even in India, I mean everywhere around the world actually. So those kind of movies should be made. You know, it becomes easy for people to understand that ki, okay, this is happening. It can happen to anyone's sister, anyone's mother. It even, in fact, is happening to even men nowadays. Oh, beautiful. I'm telling you, she was amazing, awesome. The role, really, the way that she portrayed the role, na character, every woman should be that way only. I really feel, the, you know, I was feeling like, man, there's so much to learn from her, from the character that she did, played and all. You know, it makes every woman come alive. Exactly, yeah, that's true. And wherever it is, whatever they've shown now, whatever she said in the movie, ki auraton ko allow nahi karte, chote kapde pehna mana nahi hai, is all the mindset of the society what happens. It's the way they portray the music is beautiful actually. And correct jagah par sahi music dali hai. All five. Seriously, all five I'll give. Movie was beautiful. I'm lucky that I saw that movie, otherwise I would have given a pass. But I'm glad that, I don't know, something happened to me that I saw the movie. It was like, I'm glad I saw the movie actually. Thanks. Okay, सबसे पहले फिल्म की अगर बात की जाए तो कैसी लगी फिल्म आपको? मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी. रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग थी और फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत इम्प्रेसिव थे. फिल्म देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा भारी मन से बाहर आई हूँ कि मुझे ज़्यादा बात करने का भी मन नहीं कर रहा है. आई एम स्टिल इन टू द फिल्म आई थिंक, एंड इट वॉज़ वेरी वेरी टचिंग. और आज के टाइम में मुझे लगता है ये मैसेज जो है उस फिल्म में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर एक मुजरिम को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है. और ये जो आजकल हमारे कंट्री में बहुत रिसेंटली ये हो रहा है कि जुवेनाइल और ये वो, मुझे लगता है वो सब बकवास है, उसको चेंज करना चाहिए. क्योंकि अगर इतना इतना गंदा क्राइम किसी में करने की का दम है तो उसको सज़ा भी मिलना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ लोगों को और ये लाइसेंस मिल जाता है ये क्राइम और ज़्यादा करने का, ये समझ कर कि मेरी तो शायद कुछ महीने 18 से साल उम्र कम है तो मैं तो कर सकता हूँ जो भी चाहूँ. और मुझे लगता है कि जिस तरह हम लोग के समाज में औरतों को बोला जा रहा है कि समझदार बनो, स्ट्रांग बनो, मैं अपनी लड़की को स्ट्रांग बनाऊंगा, मुझे लगता है उससे ज़्यादा हमें लड़कों को सॉफ्ट एंड सेंसिटिव बनाने की ज़रूरत है. एंड इट इज़ हाई टाइम वी हैव टू स्टॉप जजिंग आर यू नो फीमेल्स इन द सोसाइटी कि ये कर नहीं सकती, और अगर कर लिया सोसाइटी में ज़्यादा अच्छा औरत ने तो लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है. तो इन सभी मुद्दों को लेकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है which is a must must watch in today's society, and I think everybody should learn from this and spread the word around. Rani Mukherjee ki performance bahut hi bahut amazing hai aur very impressive. Shuru mein hi first scene mein hi film rula bhi deti hai aur last mein matlab Rani Mukherjee ki performance ki wajah se aapke andar itna josh aata hai ki aapko lagta hai ki you are actually a part of that, you know, thing happening in the on the screen, and it's really very full of energy. And dialogues are really amazing. Audience ko dekhna chahiye, definitely dekhna chahiye. 4 stars. Thank you.
मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, और जो दिखाया है उसमें अभी नया लड़का है, मुझे पता नहीं है उनका नाम, लेकिन बट बहुत अच्छा काम किया, और मैं भी मेरठ से हूँ तो मैंने काफ़ी हद तक रिलेट किया। उनकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन थी, रानी मुखर्जी मर्दानी की तरह इस बार भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कहानी ने काफ़ी हद तक बांध के रखा, एक सस्पेंस क्रिएट किया लास्ट तक, और प्रेडिक्टेबल नहीं है मूवी, अगर आप सोचेंगे कि मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे उससे, तो ये रीज़न था कि हम लोग ने एकदम ध्यान देकर के मूवी देखी। रानी मुखर्जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट हाफ से ज़्यादा मुझे सेकेंड हाफ ज़्यादा अच्छा लगा, 4.5। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी पर्सनली, एंड मैंने मर्दानी भी देखी है, तो मर्दानी 2 के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स हाई थी, और बिल्कुल उस एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है मूवी। एंड मुझे रानी का काम बहुत अच्छा लगा, एंड जो विलन जिन्होंने प्ले किया है कैरेक्टर, बहुत अच्छा लगा मुझे उसका काम भी। यस यस, दैट पावर, दैट यू नो, वो एक एनर्जी, एक पर्सनैलिटी वो जो होनी चाहिए वो मुझे मिली उसमें पूरे। मुझे कहीं नहीं लगा कि यार नहीं कहीं गड़बड़ हो रहा, ऐसा कुछ नहीं लगा, इट वॉज ऑल गुड। राइट, बिल्कुल ज़रूरत है। और मैं इनफैक्ट मैंने जब मैं बैठी थी देखने, तो मेरा सबसे पहला कमेंट यही था कि बहुत सही टाइम पे मूवी आई है, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम वेयर वी नीड दिस काइंड ऑफ मूवी स्पेसिफिकली, और हमें अब लिटरली सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपने देश को इस तरह के इंसिडेंट से और बचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मूवी रही है इस मामले में, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आई विल गिव इट 4.5 स्टार्स। डेफिनेटली आई से ना, फॉर रानी इट इज़ नॉट 5 on 5, इट इज़ आफ्टर 5 इन्फिनिटी जीरोज यू कैन एड, नो प्रोमो सॉन्ग्स, नो आइटम सॉन्ग्स, नो सपोर्टिंग एक्टर, एंड इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक। डेफिनेटली इफ आई कैन कीप माई 2 months बेबी एंड कम एंड वॉच द मूवी, द यूथ शुड डेफिनेटली मेक अ टाइम, 100% होना चाहिए। आई सेड 5 on 5 डेफिनेटली फॉर, थैंक यू। हाँ जी, मर्दानी देख के आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बस मैं कहना चाहूँगा कि हमको एक मैसेज के साथ बहुत सारे मैसेज मिले उसमें, जैसे कि एक वुमेंस पे तो है ही है, वुमेन सिक्योरिटी हमको बढ़ाना चाहिए और उनको और अवेयर करना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में जो दिमाग से शायद पैदल है, या फिर पता नहीं ऐसे लोग भी होते हैं, मैं तो समझ भी नहीं पाता ऐसे लोग, क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ एक्चुअली, और जो स्टोरी है वो राजस्थान से है, और मैं 3 साल से मुंबई में हूँ, और राजस्थान में ऐसा होता है मुझे पता है, बट इतने हद तक लोग गिर सकते हैं ये मुझे नहीं पता है। और अगर ऐसा हो रहा है, और मुझे सीन आ रहा है, हमको दिख रहा है रोज़ कोई ना कोई ऐसा केस आता ही है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी जड़ तक जाना चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से काम करना चाहिए। इस मूवी में उस जड़ तक कैसे जाना वो दिखाया गया है। सो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे बूढ़े सब, ऐसे इसमें कोई एज नहीं दिखाया गया कि इसी से 18 से कम बच्चे नहीं देख सकते, सब लोग देख सकते हैं और देखना चाहिए, बिकॉज हाँ अवेयर होने की ज़रूरत है सबको। सो प्लीज़ वॉच दिस मूवी। नेक्स्ट लेवल, मतलब मैं जैसा सबको बोला, मैं जैसे रानी जी की एक्टिंग, मतलब ये जो कैरेक्टर है वो मैंने अभी तक मेल में भी नहीं देखा है बॉलीवुड में, सो इट्स टू हैवी एंड इट्स टू लाइक रिजिड, यू नो, रॉ जिसको हम बोलते हैं, सो इट्स यस परफेक्ट। विलन तो, हाँ विलन तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा कोई माइंडसेट हो भी सकता है, वो